हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉयर के लिए भी, और एक आप एक फ्रेशर हैं, आपने अभी कॉलेज किया है या आपने ट्वेल्थ पास किया, तो आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग ले जाते हैं या आपने टेक्निकल किया है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे आपने कोई मेडिकल में डिप्लोमा किया, तो आपको उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस स्टूडेंट के लिए भी और एक एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए ही ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में पूरा आपको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रही। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, एक्ट को क्यों लाया गया दोस्तों? प्रमोशन ऑफ न्यू मैन पावर एंड स्किल्स, इंप्रूवमेंट रिफाइनमेंट ऑफ ओल्ड स्किल थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन नंबर ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। दोस्तों इसका हमारे मैन पावर को स्किल्स बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट करना, जिससे उसे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। जैसे दोस्तों क्या होता है कि हर कंपनी में काम करने के तरीके अलग होते हैं, फैक्ट्री में अलग होते हैं, तो उसको अगर आप स्टार्टिंग से आ जाते, जैसे आपने टेक्निकल किया तो टेक्निकल हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिले। जैसे आपने कॉलेज करने, आपको हर प्रकार के, जब आप बीटेक करते हैं, बीटेक करने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। वैसे अगर आप कॉलेज करके अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करके आप अपना किसी भी कंपनी में आप थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट दोस्तों, ये इट एक्सटेंड टू होल इन ऑफ इंडिया आल सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये सभी हमारे पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी प्रकार की सर्विसेज है, सब में एक्ट अप्लीकेबल होता है। तो डेफिनेशन इसका क्या मतलब होता है कि अप्रेंटिसशिप मीन्स ए पर्सन हु इज अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन परस्यूंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो आप अगर अप्रेंटिसशिप जाते हैं या आप एक एम्प्लॉयर हैं, तो आप हायर करते हैं, तो आप एक उसके अंदर एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दोनों की कंडीशन टर्म्स होती हैं। फिर नेक्स्ट है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बेनिफिट फॉर कंपनीज। अभी सबसे बड़ा है इसमें कि कंपनीज को इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहला कि द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957 इज नॉट एप्लीकेबल टू एन अप्रेंटिसिस। फिर एन अप्रेंटिसशिप इज नॉट ए फुल टाइम employment and hence not eligible for any kind of statutory profit sharing bonus or incentive under section 213 of the payment of bonus act. फिर next जो benefit मिलता है, employer do not need to contribute toward to provident fund and apprenticeship of training which companies hiring under that standing order also are eligible for PF as per the employees provident fund and miscellaneous act 1952. सबसे best है कि आपको ना वो PF में cover होता, ना वो बोनस ग्रेजुटी के लिए अप्लीकेबल होता, और ना ही वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1970 में अप्लीकेबल होता। फिर नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर्स आल्सो डू नॉट नीड टू कंट्रीब्यूशन टुवर्ड टू द एसआईसी ऑफ अप्रेंटिसशिप सिंस देयर आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयर्स। हाउ हेवर अप्रेंटिसशिप हु एम्प्लॉयर्स हायर थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आर सीन ए फुल टाइम एम्प्लॉयज, हेंस देयर एसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी कवर्ड एज पर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द एसआईसी एक्ट। तो दोस्तों इसमें कोई भी स्ट्रेचरी कंप्लायंस इस पर अप्लीकेबल होता, ना कोई लेबर लॉ अप्लीकेबल होता है, तो इसमें आपको सिर्फ बहुत सारी लाइबिलिटी से बचता है, जैसे पीएफ से बच गए, ईएसआईसी, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता और आपकी ये कंप्लायंस भी फॉलो होती है। सबसे बड़ा यही है कि इसमें एम्प्लॉयर को सब कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसमें ना पीएफ का टेंशन नहीं है जाएगा, ना बोनस का, ना किसी अदरस का। तो इसमें सिर्फ एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जो आपको ध्यान रखना होता है, वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय की जो अप्रेंटिसशिप आप हायर करते हैं, उसको अगर काम करते टाइम अगर उसका कुछ इंजरी हो गया, उसको कुछ लग गया, तो उसका आपको उस इंजरी का जवाब आपको कंपनी को पे करना होता है अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जो एम्प्लॉयर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कंपनी ग्रोथ करने में, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये किसी एक्ट में तो आपको सबसे अच्छा कि आपकी लाइबिलिटी बचती है, आपके पैसे बचते हैं, और आपको एक अच्छी मैन पावर भी मिलती है, जिससे आपका ना पीएफ एप्लीकेबल होगा, ना ईएसआई एप्लीकेबल होगा, ना बोनस, ना अदर स्टेचुरी कंप्लायंस एक्सेप्ट एंड वर्कमैन कंपनसेशन। वो भी एक कंडीशन में जब किसी भी अप्रेंटिसशिप की इंजरी होती है तो वो कंपनी को पे करना होता है। तो ये बेनिफिट जानने के लिए आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए।
फिर नेक्स्ट हम जो टॉपिक रहेगा क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। अब इसके लिए कौन कौन क्वालिफिकेशन है और कौन किस किस के लिए एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेंटिस, तो उसका मिनिमम एज होनी चाहिए, उसकी 14 ईयर एज होनी चाहिए, इससे नीचे का आप उसे हायर नहीं कर सकते अपनी कंपनी में। नेक्स्ट हैजर्ड इंडस्ट्री 18 ईयर्स, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसमें डिफिकल्टी वाला काम होता है तो वहाँ पे मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस, तो वो जो भी आप अप्रेंटिस हायर करें वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयर कब एलिजिबल होता है इसके लिए। तो सबसे पहला होता है कि ऑल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग वर्कफोर्स रेगुलर एंड कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज और 30 और मोर आर मैंडेटेड टू अंडरटेक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन रेंज फ्रॉम 2.5% टू 15% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एवरी ईयर। तो दोस्तों आपके अगर कंपनी में 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप पे अप्रेंटिसशिप एप्लीकेबल हो जाता है, ये मैंडेटरी है। अब तो इसके लिए आप जितनी भी आपकी एक साल में वर्क फोर्स है उसका मिनिमम 2.5% से 15% तक आप अप्रेंटिसशिप को हायर कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉयर ऐसा कुछ नहीं करता, ना अप्रेंटिसशिप हायर करता है अगर उनके लगभग वर्क फोर्स 30 या 30 मोर होते हैं, लेकिन इनको हायर नहीं करते। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आप भी बता सकते हैं आपके कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप को हायर कर रखा है, आपकी वर्क फोर्स 30 या 30 से ज़्यादा, तो ये मैंडेटरी है, एक्ट आप पे अप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट हैविंग ए वर्क फोर्स बिटवीन 4 to 29 दिस इज ऑप्शनल, अगर आपके 4 या 29 के बीच में तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं और आपके तो इसमें आपको एक्ट के अकॉर्डिंग कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी, लेकिन 30 से ज़्यादा लगते आपको पेनल्टी लगने स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट हैव ए वर्कफोर्स ऑफ 3 or less आर नॉट परमिटेड एंगेज अप्रेंटिसिस, अगर आपके 3 या 3 से कम है तो आपको इस पे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि एवरी एम्प्लॉयर शैल डिस्क्लोज इन देयर इंटेंशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप बोथ इन डेजिग्नेशन एंड ऑप्शनल ट्रेड ऑन पोर्टल साइट एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल साइट इफ एग्जिटिंग एज पर क्वार्टर गिवन बिलो, तो आपको जितने भी आप अप्रेंटिसशिप हायर करते हो तो उसको पोर्टल पे डिटेल देनी पड़ती है। अभी पोर्टल पे आप अपना उसका कॉन्टैक्ट जनरेट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वीडियो में। तो जिसमें क्वार्टर जो होती है उसमें आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है, डिटेल सबमिट करनी होती है 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसमें क्वार्टरली रिटर्न होती है 30 जुलाई से 30 सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च। तो इस क्वार्टर में आपको पोर्टल पर जानकारी देनी पड़ती है कि हमने कितने हायर किए कितने नहीं किए। तो एक एम्प्लॉयर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अप्रेंटिसशिप अभी तक आपने नहीं रखे तो आप रखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें एक्ट में आपको मैंडेटरी है 30 या 30 से ज़्यादा जब आपके पास वर्क फोर्स हो। इसमें आपको बेनिफिट ही है, अगर आप ऐसे एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं फ्रेशर तो आपको उसको PF, ESI, बोनस सब कुछ देना पड़ता है। अदरवाइज आप अप्रेंटिसशिप हायर करते हैं तो आपको कोई भी लेवल एप्लीकेबल नहीं होता, ना कोई स्टेचर कंप्लाइंस एप्लीकेबल होती, तो वो आपको एक फिक्स अमाउंट में आप उसे हायर कर सकते हो और वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, आप पीरियड कितने दिन के लिए लिखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप फ्रॉम 3 months to 3 years डिपेंडिंग ऑन द अल्टरनेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स डिसाइड बाय नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन इन वोकेशनल ट्रेड्स। तो दोस्तों मिनिमम 3 months से लेकर 3 years तक होता है, ये अलग अलग जो ट्रेड्स होती हैं डेजिग्नेशन होती हैं उस हिसाब से डिवाइडेड किया गया। वो आप एक्ट रूल्स में जाएंगे जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें आपको पूरा पता मिल जाएगा, आपको उसको कॉन्टैक्ट रखना है। क्योंकि ऐसे कुछ होता है मेडिकल लाइन होती है उसमें 15 दिन का होता है, जो सेल्स के बंदे अगर आप अप्रेंटिसशिप हायर करते हैं उसका मिनिमम 1 साल होता है, या आप 10th 12th पास या रखते हैं जो टेक्निकल है उनका आप 3 मंथ रख सकते हैं। तो मिनिमम सबकी जो डेजिग्नेशन होती है जो ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर वो आपका पीरियड होता है, तो वो मिनिमम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो उस हिसाब से आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। तो इसमें आता है वर्किंग हावर्स, अब उसे आप कितना काम करवा सकते हैं कितनी देर तक काम कर सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग हावर्स कैन बी रेंज फ्रॉम 42 to 48 hours, तो उसको जो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो स्टार्टिंग काम किया तो उसको 40 और उसे 1 या 2 साल से अप्रेंटिसशिप करते हो गए तो आप उसे 48 hours तक आप उसे काम करवा सकते हैं। तो अप्रेंटिसिस अंडर द एज ऑफ 18 शैल बी एंगेज इन सच ट्रेनिंग बिटवीन द आवर्स ऑफ 8
p.m. to 6 p.m. Any relaxation in the same will be approved by the apprenticeship advisor on cash basis. तो अगर आप apprentices hire करते हैं उसे training आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में ही ले सकते हैं, अदरवाइज 6 p.m. के बाद आप किसी भी apprenticeship को training नहीं दे सकते. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको apprenticeship advisor से आपको training वो लेना permission लेना पड़ेगा. नेक्स्ट आगे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके लिए अगर आप किसी अप्रेंटिसशिप को ओवर टाइम करा सकते हैं या नहीं करवा सकते. दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप को हायर करते हैं तो इसके लिए पहले तो इसमें साफ माना है कि आप किसी भी अप्रेंटिसशिप को ओवर टाइम के लिए अलाउड नहीं है. अगर फिर भी अगर आप उसको कराना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ साथ में जो अप्रेंटिस है उसका भी परमिशन, मतलब वो भी सहमत होना चाहिए कि मैं ओटी करने को तैयार हूँ. तो इसमें जो आपका इसमें साफ साफ जब आप एक्ट में पढ़ोगे तो सेक्शन 15(2) द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1916 प्रोविज अंडर द एक्ट हाउस वर्क ओवर टाइम लीव एंड हॉलीडे. तो जो हॉलीडे होते हैं वो एक्चुअल में जो मिलते हैं 12 लीव मिलेंगे आपको, सिक लीव जो भी अंडर आपके जो कंपनी को देती है वही आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट अप्रेंटिसिस को आपको देना होगा. फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसिस, अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं. दोस्तों द कंटेंसस टर्म एंड कंडीशन एज मे बी एग्रीड टू बाय द अप्रेंटिसशिप हिज गार्जियंस एंड एम्प्लॉयर्स. तो वो अप्रेंटिसशिप और जो एम्प्लॉयर होता है उसके बीच में आपको गार्जियंस के, अगर आपको वो 14 ईयर्स का है मतलब 18 साल से कम है तो उसका गार्जियन उस पर एग्रीमेंट पर साइन करेगा और एम्प्लॉयर भी अपना साइन करेगा. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी एक्चुअल में ऑनलाइन जनरेट हो रहा है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको डिटेल्स फिल करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करते आपका ऑटोमेटिकली जो अप्रेंटिसशिप की साइट है वहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा और वहीं आपकी कंप्लायंस योग्यता भी बहुत ही ईजी हो रखा है. आप आसानी से वहाँ पे अप्रेंटिसशिप को ढूंढ भी सकते हैं और आप अपना अप्लाई भी कर सकते हैं. अगर आप एक अप्रेंटिसशिप हैं आप ट्रेनिंग लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा. और एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस होते हैं टर्म एंड कंडीशन कंपनी की और वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि पेमेंट ऑफ टू अप्रेंटिसशिप, अब आपने अप्रेंटिसशिप हायर कर लिया तो उसको कितनी पेमेंट देनी चाहिए. तो एज पर द अप्रेंटिसशिप रूल्स अमेंडमेंट 2019 द स्टाइपेंड टू बी पेड एंड इज बिलो. तो आपको ये मिनिमम आपको रेट रखनी, अगर वो स्कूल पास आउट है 5th या क्लास 9th है तो आपको उसको 5,000 पर मंथ दे सकते हैं. 12th है 10th पास आउट है तो 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये. अगर वो 12th पास है तो 7,000 रुपये पर मंथ. या नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको 7,000 रुपये पर मंथ. या किसी ने टेक्निशियन है या वो सर्टिफिकेट है या वो सैंडविच कोर्स है तो उसको 7,000 रुपये पर मंथ. तो टेक्निशियन अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा होल्डर है तो भी उसको 8,000 रुपये आपको पर मंथ देने होंगे. ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और डिग्री अप्रेंटिसशिप और डिग्री इन स्ट्रीम्स तो 9,000 रुपये पर मंथ ये आपकी मिनिमम रेट है, इससे नीचे आप इनको नहीं दे सकते. तो आपको डेजिग्नेशन स्पेसिफाई इसमें दिखा रखा है तो इस हिसाब से आपको उनको पे अमाउंट मंथली आपको सैलरी जिस टाइम आप क्रेडिट करते हैं उस टाइम आपको स्टाइपेंड को भी ये अमाउंट पे करना होगा. तो दोस्तों इसमें बहुत ही कम रेट है. अगर आपको कंपनी का अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास 30 मोर है तो आप अप्रेंटिसिस को हायर कर सकते हैं जिससे आपको आपकी बचत भी होगी और एक आप एक अप्रेंटिसशिप को आप ट्रेनिंग देंगे जिसका उसका करियर भी बन सकता है. वो आपकी कंपनी से सीखेगा जिससे वजह से आपका कंपनी का कॉस्ट भी बचती है और वो अप्रेंटिसशिप को भी कुछ सीखने को मिलेगा. तो आप अगर अभी तक आपने अप्रेंटिसशिप को हायर नहीं किया तो अप्रेंटिसशिप को हायर जरूर कीजिए जिससे आपको कंपनी को बहुत सारे इसमें बेनिफिट हो सकते हैं. टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप का टर्मिनेशन आप किस किस अंडर में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है अप्रेंटिसशिप. अगर वो आपकी कंपनी के जो आपने एग्रीमेंट में रूल्स कंडीशंस डाली वो अगर फॉलो नहीं कर रहा कोई भी ट्रेनिंग के अगर वो नहीं करता तो उसे आप बिना अमाउंट दे के भी आप उसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा सकते हैं, मतलब उसे एक्सपायर कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से लेना पड़ेगा इन सिच इवेंट में तो जिस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप कैन बी टर्मिनेट विदाउट कंपनसेशन पेबल टू द अप्रेंटिसिस. सबसे जो पहला है कि इफ़ ही हिज सोर्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स. फिर नेक्स्ट है कि If he is unable to continue training on medical grounds on production of certificate of this effect from medical officer note below the rank is civil case. तो इन दो कंडीशन में आप उनको बिना कंपनसेशन पे किए भी आप उनको टर्मिनेट कर सकते हैं.
तो दोस्तों अगर आप एक अप्रेंटिसिस हैं, अगर आप कंपनी के रूल या जो रेगुलेशन है, जो आपका वर्क फोर्स पे जहाँ पे आप होती हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेनिंग के टाइम पे जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी कंपनी विदाउट कंपनसेशन आपको टर्मिनेट कर सकती है। अगर कोई भी अगर अप्रेंटिसशिप आप बीच में छोड़ना चाहे तो वो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, जिसमें कोई भी लाइबिलिटी, लेकिन उसको कोई भी पे अमाउंट नहीं होगा और ना ही उससे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आता है रिकॉर्ड और रिटर्न्स। तो रिकॉर्ड इसमें स्पेसिफाई फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट वन होता है जो आपको शेड्यूल थर्ड सेल बी फॉरवर्डेड टू पोर्टल साइट बाय द एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन। तो आप एम्प्लॉयर रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल सबमिट करनी है। फिर नेक्स्ट है कि वर्क डायरी इन फॉर्मेट टू एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थर्ड सेल बी मेंटेन बाय ईच ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप काउंटर गन बाय सुपरवाइजर वंस इन वीक। तो आपको एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप या ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप तो आपको फॉर्मेट टू स्पेसिफाई है, तो वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स अपलोड करनी है, जो भी इसका सुपरवाइजर है वन साल वन में एक वीक। दोस्तों अभी ऑनलाइन हो गया तो आपकी जो भी रिटर्न्स हैं फॉर्मेट है वो ऑनलाइन आप रिटर्न्स कंप्लाइंस सबमिट कर सकते हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस ऑफ द अप्रेंटिसिस अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन हिज एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्शन टेक फॉर इरेगुलर एंड अनऑथराइज अब्सेंस शैल बी रिकॉर्ड बी सेट रजिस्टर एंड ऑफ इच मंथ। तो आपको मंथ एंड में आपका जितने भी ट्रेनिंग आए हैं हायर किए हैं तो उनकी डिटेल आपको वहाँ पे आपको रजिस्टर में मेंशन करना है। तो एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द वर्क डन एंड ट्रेनिंग अंडर टेकन बाय द ग्रेजुएट टेक्निकल एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन हिज एस्टेब्लिशमेंट फॉर इच क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ क्वार्टर शैल बी सेंड ए रिपोर्ट फॉर्म अप्रेंटिसशिप स्पेसिफाइड शेड्यूल थ्री डायरेक्टर रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो वो आपको जो भी रिकॉर्ड आप फाइल रजिस्टर में फाइल करते हैं तो वो आपको जो रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंसर्न है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो स्पेसिफाई इनका अप्रेंटिसशिप का फॉर्मेट है। तो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स है, तो आपको थोड़ा सा कंप्लायंस भी करना होगा। बेसिकली अभी ऑनलाइन हो गए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन सब कुछ अपने रिटर्न्स वगैरह सब कुछ फाइल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है। फिर ऑप्शंस ऑफ एंड पेनल्टीज हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी अप्रेंटिसशिप को हायर करते हैं वो अगर क्वालिफाई नहीं है, अगर आप उसे फिर भी हायर कर लेते हैं तो आपको उसमें भी वो पेनल्टीज लग सकती हैं। अगर फेल्स टू करिए, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आप उसके कंडीशन या आप टर्म्स है वो मतलब उसको फॉलो नहीं करते, आप एक एज ए एम्प्लॉयर हैं तो आपको उसके लिए तभी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसमें आपको देखो पूरा एक्ट है, अगर आप जो भी रूल्स या रूल फॉलो नहीं करते, अगर आप एक्ट एप्लीकेबल आप उसका फॉलो नहीं कर रहे, जैसे आपके पास 30 या 30 more एम्प्लॉई हैं और आपने अभी भी कोई अप्रेंटिसिस को हायर नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी आपको पेनल्टी लग सकती है। और आपको पेनल्टी के साथ साथ आपको जो अमाउंट होता है वो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो ये ऑफिसर्स एंड पेनल्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये एक्ट आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, जिस वजह से आपको एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं और आपकी कंपनीज के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अभी तक हायर नहीं किया तो हायर कीजिए, अगर अप्रेंटिसिस है तो आप जो अप्रेंटिस का पोर्टल है www.apprentices.covid.in पे जाके जो एक अप्रेंटिसिस है वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और एस्टेब्लिशमेंट अपना रजिस्टर कर सकता है। तो जो अप्रेंटिस रजिस्टर करेगा वो अपनी पूरी डिटेल्स सबमिट करेगा, क्या ग्रेजुएशन किया है, क्या सर्टिफिकेट किया है, और एस्टेब्लिशमेंट भी अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, पूरी वैकेंसी क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे हायर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकता है और वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर कर सकता है, वहाँ पे से ही पेमेंट भी सबमिट कर सकता है। तो दोनों अप्रेंटिसिस और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूवल देगी और सर्टिफिकेट भी वहाँ से जो रिम्बर्समेंट है जो एस्टेब्लिशमेंट वहाँ से ले सकती है वो भी गवर्नमेंट देगी। दोस्तों जो अभी अप्रेंटिसिप में चल रहा है वो है कि मिनिमम आपको 1500 रुपये आपको पर अप्रेंटिस की तरफ से आपको मिनिमम मंथली आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप एस्टेब्लिशमेंट आपको इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है। तो अप्रेंटिसिस होता है वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो आपको कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। तो जितने भी आप अगर आप फ्रेशर हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके पास स्पेसिफाई डिप्लोमा है तो वहाँ पे जाके आप अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्टर करें और जैसे आपको कंपनी है एस्टेब्लिशमेंट आपको वहाँ से आपको हायर कर सकती है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो भी आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैसे हायर करना है, कितने एम्प्लॉई हैं, किस आपका डेजिग्नेशन है, तो वहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट हायर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्ट के जान के कैसा लगे आपको कमेंट की जरूर बताइए, ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको